नमस्कार दोस्तों, अभी बाजू में जो वीडियो प्ले हो रहा है लगभग आप सभी के फोन में वीडियो आ चुका होगा। और ये वीडियो को देखने के बाद आज सोशल मीडिया पे और खास तो ट्विटर पे इतना ट्रेंड हो रहा है गुजरात पुलिस टॉपी। तो एक्चुअल में दोस्तों इस पूरा बनाव क्या है, आइए हम बारीकी से समझते हैं। सो गुजरात के जूनागढ़ शहर में एक दरगाह है जो दरगाह को लगभग इलीगल है ऐसा तंत्र वहाँ का जाहिर करता है, और वही तंत्र आज पुलिस काफिले के साथ में दरगाह के पास जाता है नोटिस के लिए, नहीं कि डिमोलेशन के लिए। अब जब ये पुलिस काफिले के साथ वहाँ पर जाते हैं तो दरगाह को प्रोटेक्ट करने के लगभग 200 से 300 इंसान वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और अचानक बात ही बात में पत्थर मारा शुरू हो जाता है। और ये पूरे बनाव में, पूरे घटना में लगभग 4 पुलिसकर्मी इतने घायल हो जाते हैं कि आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी दुख कहते हुए दुख हो रहा है कि एक ऐसा बंदा जो है राजकोट का, और अपने छुट्टियों के दिन में वो बंदा इतना सोशल वर्क करता था कि जो गरीब लोग हॉस्पिटल में होते हैं उनको टिफिन की सेवा प्रोवाइड करते थे, वो बंदा का इसमें डेथ हो जाता है। अब ये पूरा बनाव आने के बाद और ट्विटर पे टॉपिक काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, लोग अपने सुझाव दे रहे हैं, लोग काफ़ी पुलिस को ट्रॉल कर रहे हैं, काफ़ी लोग आज पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि पुलिस ने गलत किया, पुलिस ने ये किया, पुलिस ने वो किया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या पुलिस पत्थर खाने के लिए बैठी है। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा कि पुलिस ने जो किया सही, पुलिस ने भी गलती किया है कि आप सड़क पर किसी को ऐसा मार रहे हो, बट यहाँ पर एक चीज समझना होगा कि जिस हिसाब से जो सिविलियन लोगों ने जो पत्थर मारा किया पुलिस को ऐसे मारा है, क्या वो सही है? जो लोग आज पुलिस से सवाल कर रहे हैं क्यों वो पब्लिक से सवाल नहीं कर रहे कि एक्चुअल में वो लोगों ने ऐसा क्यों किया। सी धर्म की बात आती है, मैं भी धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ, और धर्म चीज ये ऐसी है कि धर्म है तो हम हैं, पर आप धर्म के नाम पे आप इतने तीव्र ना हो जाए, आप इतने घर्षणी ना हो जाओ कि आप किसी को भी पत्थर मार रहे हो। दोस्तों यहाँ पे कौन सही कौन गलत हम उसकी बात नहीं कर रहे, पर एक्चुअल में ये पूरा जो घटना हुआ है, और जो अच्छे जो कांग्रेस के एक दो मंत्री हैं, मैं नाम देखो मैं ट्वीट में रख रहा हूँ, ये भी अपने ट्वीट पे पूछ रहे कि क्या गुजरात पुलिस ने सही किया, बट क्यों आप ऐसा नहीं पूछ रहे कि जो लोग जो सिविलियन ने आज पत्थर मारा किया है आपने उनको सवाल क्यों नहीं किया? दोस्तों सी हर एक के लिए मतलब जुडिशियल है, कायदे कानून है, वो पूरी सबका डिसीजन करने के लिए मतलब बैठी है कानून, तो आप क्यों कानून को अपने हाथ में लेते हो? और जो लोगों ने सही में पत्थर मारा किया है, लगभग 123 लोग का जो ग्रुप को डिटेक्ट किया था उनमें से कुछ लोगों को पुलिस इस तरह से मार मारा है, यहाँ पे पुलिस ने सही किया गलत किया वो आप पे छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बट एक्चुअल में ये जो टॉपिक को ट्रेंड किया जा रहा है, जो ट्रोल किया जा रहा है पुलिस को, मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है, बिकॉज सी पुलिस यहाँ पे पत्थर खाने नहीं बैठी है। हाँ, अगर आप दोनों पक्ष को सवाल करते, दोनों टॉपिक को ट्रेंड करते, देन इट्स ओके, पर आप सिर्फ पुलिस को ट्रोल कर रहे हो, सो मे बी ये गलत चीज़ है। और दोस्तों जिस तरह से ये पूरा बना हुआ है सही में देख के काफ़ी दुख होता है, बिकॉज सी पुलिस वाले हमारे प्रोटेक्शन के लिए और जो नोटिस के लिए गए थे वो मतलब दरगाह को तोड़ने नहीं गए थे, वो कहीं ना कहीं साथ वो बताने वहाँ लगाने के लिए गए थे, बट जो हिंसा भड़की यहाँ पे किसका गलती नहीं है हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप खास वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपके क्या सुझाव है, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, आप जरूर से वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी जो पूरा बनाव बना है काफ़ी दुख हो रहा है देखने के बाद कि एक्चुअल में सिविलियन ने ऐसा किया, पुलिस ने उनके साथ ऐसा किया, ये मसला क्या है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बट एक्चुअल में जो बनाव बना था ये पूरी चीज़ जूनागढ़ के एसएसपी ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वही चीज़ मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा।